वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। एक बार फिर से रिव्यू, मैं हूँ रहमत दिल्ली से। मेरे हाथों में आप देख रहे हैं ये हिट जेल, जी हाँ, और आज मैं रिव्यू उसी का करूँगी। इसी के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताऊँगी। मुझे ये बहुत पसंद आया है। ये मेरा सेकंड बॉक्स है जो मैंने मंगवाया है। फर्स्ट बॉक्स मैं मंगा कर यूज़ कर चुकी हूँ, उससे सेटिस्फाइड हूँ। आपके ट्रस्ट के लिए मैं दिखा दूँ कि ये प्रोडक्ट मैंने दोबारा मंगवाया है। ये प्रोडक्ट देखिए, मैंने इसे यूज़ कर लिया है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने ये दूसरा बॉक्स अब मंगवाया है। लगभग आज से 4 मंथ्स पहले मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया था और ये नया बॉक्स है जो कि मैं आपके सामने ओपन करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या आपको मिलता है, कैसे इसे यूज़ करते हैं, और ये कर देगा आपके घरों से कॉकरोच का दे एंड। जी हाँ, कॉकरोच बिल्कुल भी इससे नहीं आता है। मैंने हिट यूज़ किया है, मैं दिखा दूँ हिट, ताकि आप लोगों को इससे ही भरोसा हो जाए कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा मैं दोबारा मंगा रही हूँ। तो मेरे घर में ये आप देख सकते हैं कि ये हिट भी पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल नया, मैंने इसे खोला भी नहीं है क्योंकि मैं हिट मंगा के थक गई थी। जब मैंने हिट ख़रीदा था तो मैंने वो पुराना जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ ये वाला भी ख़रीदा था, और इसको यूज़ करने के बाद मुझे इतना रिलीफ मिला कॉकरोच से कि कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आया। और 3 से 4 महीना बिल्कुल भी घर में कॉकरोच नहीं रहा जब तक मैंने इसका इस्तेमाल रखा। हिट मारती थी लेकिन कॉकरोच आ जाते थे। और ये अब बिल्कुल फिनिश हो चुका है, इसमें अब है नहीं क्वान्टिटी, बिल्कुल ये इंजेक्शन सिरिंज की तरह दिखता है। तो चलिए सेकंड बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं कि इससे ये है इसमें क्या क्या। बॉक्स मैंने कई बार आप लोगों को दिखा दिया, इसको मैं ओपन कर दूं तो इसके अंदर से ये ट्यूब निकला है, जैसे कि मैंने ये दिखाया आप लोगों को, तो ये निकला है। इसमें आपको करना क्या है कि इसको 5 to 7 times या मोर देन 7 times आप इसे प्रेस कर दें। मैंने 1 time किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैंने 7 times प्रेस कर दिया है। 7 times प्रेस करने से ये होगा जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ये यहाँ तक आ जाता है, प्रोडक्ट यहीं पर रहता है। प्रेस करने के बाद 7 times प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाता है। जब आप इसके नोज़ल को ओपन करेंगे इस तरह से, सिंगल हैंडेड ही ओपन हो जा रहा है, आप देख सकते हैं ये नोज़ल प्रोडक्ट इसके मुँह पर आ चुका है ना। और अब आपको जहाँ पर भी फील हो कि आपके घर में कॉकरोचेज आते हैं वहाँ पर आप इसे इस तरह से प्रेस करें, ये प्रोडक्ट बाहर आता है। बस एक इस तरह से डॉट आपको लगाना है, बस इस तरह से ये डॉट आपको लगाना है, और ये डॉट बहुत असर करता है कॉकरोचेस पर, पूरी कॉलोनी ख़त्म कर देता है ये कॉकरोच का। और मोस्टली मेरे घर में जो कॉकरोच है वो नाली से, जो बाथरूम की सिंक के एरिया के पास जो आउटलेट होता है वहाँ से आता है। तो मैं चली इसे बाथरूम में पुट ऑन करने के लिए, मैं कहीं पर ऐसे जगह पर लगाऊंगी जिससे कि ये पानी से बहे भी नहीं और कुछ दिन वहाँ पर रहे, मतलब कुछ दिन का असर मंथ तक चला जाता है। आप इसे रेगुलर लगाती रहें, हर 25 से 20 डेज़ पर कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो ये वो एरिया जहाँ से कॉकरोच आता है, तो मैं क्या करूँगी, कुछ डॉट्स यहाँ पर रख दूँगी लेकिन ये पानी से वॉश हो जाएगा, तो फिर भी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ कुछ डॉट्स, और कुछ डॉट मैं सिंक के एरिया पर लगा दूँगी ताकि वहाँ पर कॉकरोच अगर आए भी तो उससे कॉकरोच टच हो या उसके स्मेल से कॉकरोच भागे। तो मैं कुछ डॉट्स 5 to 6 डॉट्स यहाँ पर लगा दूँगी, कुछ डॉट्स जो बकेट के नीचे का हिस्सा है वहाँ पर लगा दूँगी, इस तरह से मैं कुछ डॉट्स यहाँ पर लगा दूँगी बाथरूम के। हाँ, तो बस इतना ही आपको लगाना है, चाहे तो आप और लगा दें। अब बारी आ जाती है किचन के सिंक की, यहाँ पर से भी कॉकरोच आने का डर होता है, तो इस एरिया में मैं लगाऊंगी। तो बेसिकली पहले तो मैं जो सिंक का एरिया है साइड्स में लगा लेती हूँ ताकि कॉकरोच इसके स्मेल से या इसके जो भी असर रहता है वो कुछ दिन इस एरिया में रहे। माउथ पे लगाने से ये हो जाता है कि वहाँ पे पानी आता है और वो चीज़ बह जाती है, तो ऐसे जगह पर लगाएं कि वो कुछ दिन स्टे करे। तो इस तरह से आपको लगा लेना है और हर 25 से 20 डेज़ पे ये चीज़ आपको करनी है। इसका असर बहुत दिन तक रहता है, 1 month आराम से आपके घर में कॉकरोच नहीं आएगा, ठीक है। वहाँ पर भी लगा सकते हैं, किचन के जिस हिस्से में भी आपको फील हो कि कॉकरोच आता है वहाँ पर आप एक डॉट, सिंगल डॉट लगा दें, बहुत असरदार है। तो बस ये प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद था, इसलिए आप लोगों से भी मैंने शेयर किया। इसे यूज़ करें और अपने घर से कॉकरोच को हटाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय।